नमस्कार दोस्तों, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम लच्छा परांठा बनाएंगे, तो देखें हम कैसे बनाते हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लच्छा परांठा, दाल, सब्जी, रायता और चटनी अचार के साथ आप खा सकते हो लच्छा परांठा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। सूखा आटा ले लिया, ये गूंदा हुआ आटा है, हमने 10 मिनट पहले गूंदा था। ये हमने घी ले लिया। अगर आप चाहो आप इसके बदले आप रिफाइंड देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने घी ले लिया। इससे कुरकुरा बनता है, लच्छा परांठा क्रंची चूर चूर बनता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। पहले हम पेड़े बनाकर रख लेते हैं। पहले हम इसको पेड़े को बेल लेते हैं। साथ के साथ सूखा आटा भी लपेट लेंगे, फिर बेल दें। अब थोड़े थोड़े घी लगा लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देंगे। इसको जैसे हम पंखा बनाते थे बचपन में, वैसे इसको बेलेंगे, लपेटेंगे इसको। और इसके साथ गोल कर देंगे, इसको ऐसे लपेट देते जैसे पेड़ा हमने करा है, वैसे ही इसको बेल लेंगे। दोनों पेड़ों के ऊपर पलते बना लिए, पेड़े बना लिए, इसको अब बेल लेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं, इसको गर्म होने देते हैं, जब तक दूसरा भी हम पेड़ा करके बेल के रख लेते हैं। दूसरे पेड़े को भी हम ऐसे ही बेलेंगे जैसे पहले बेला था। इसको भी ऐसे रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसके अंदर हम लच्छा परांठा डालेंगे। आज हमने कम रखी हुई है, तो कम में सेकेंगे, उसके बाद हम तेज करेंगे इसको, थोड़ी सी तेज करेंगे। इसको उल्टा देते हैं, ब्राउन चिट्टी आ गई तब इसके अंदर हम घी लगा देंगे। साइड के साथ दूसरी तरफ भी लगा देते हैं, इस तरफ ही सेक गया थोड़ा सा। क्रंची बने काफी, बहुत अच्छा बना है। तो वो कितने अच्छे लच्छे आपके दिखते हैं, क्रंची टाइप के बने। जैसे ये बनाया वैसे ही हम दूसरा बना लेंगे।
दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे। लच्छा परांठा बनके तैयार कर लिया है और प्लेट में सर्व कर लिया है। देखो कितना अच्छा बना है, लहर कितनी अच्छी आई है। इस तरह बनाइए आप भी और लुत्फ़ तो उठाइए खाने का। और इसको अचार, चटनी, दाल, सब्जी और रायते के साथ आप खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में और लंच बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने अनुभव अमृता किचन से शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं फिर।